गेमर्स, वेलकम बैक टू अदर न्यू एपिसोड ऑफ सिटी स्काइलाइंस 2। और आज के एपिसोड में हम लोग बनाने वाले हैं एक बहुत बड़ा, आज हम लोग एक बांध बनाने वाले हैं। एंड अभी आप देख सकते हो अपना ये पैसेंजर शिप है, जिसके अंदर 26 पैसेंजर्स अपने सिटी से बाहर जा रहे हैं, जो कि अपना अभी ट्रैवलिंग बिजनेस काफ़ी बढ़िया रन हो रहा है। लास्ट एपिसोड में आपको याद होगा हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा नए फार्म लगाए थे अपनी सिटी के अंदर, जस्ट लाइक ये वाला फार्म। अपना कितने एनिमल्स है वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे मेरे को घोड़े वगैरह, बकरी वगैरह दिखाई दे रहे हैं। एंड ये धीरे धीरे बिजनेस अपना बढ़ते बढ़ते काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। एंड आप देख सकते हो प्रॉफिट वापस से $81,000 चला गया। एंड जो अपना प्रोडक्शन है वो अभी भी थोड़ा सा कमी है, तो आज के एपिसोड में हम थोड़े से फार्म भी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको लगवाना है डैम। और डैम लगवाने के लिए मुझे सबसे पहले डैम को अनलॉक करना पड़ेगा। वाटर में कहाँ पे होता है ये डैम? हाइड्रो डैम, हाँ ये रहा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। सिटी स्काइलाइंस 1 में तो भाई मेरे को बिल्कुल डैम बनाना नहीं आता था, बट अभी मैं कोशिश करूंगा इस बार मैं बना सकूं। सो लेट्स गो, मैंने डैम को गाइस अनलॉक कर लिया है। एंड नाउ सबसे बड़ा सवाल ये है, गेम को पॉज रखते हैं, कि डैम हम बनाएंगे कहाँ पे? सबसे बड़ू सवाल है। अगर आप यहाँ पे वाटर का फ्लो देखते हो तो पानी कहाँ से किधर बह रहा है? ये आई थिंक इधर ही बह रहा है ना पानी, हाँ इधर हमको मतलब ऊपर से ही दिखाई दे रहा है कि पानी यहाँ से उधर बह रहा है। इधर बह रहा है पानी। सो हाउ अबाउट यहाँ पे गाइस कैसा रहेगा? अपने जस्ट वो कचरा पेटी के ये वाले डिपार्टमेंट, मतलब इधर ये वाला जगह आई थिंक एकदम परफेक्ट रहेगा डैम बनाने के लिए। तो या शुरू करते हैं डैम बनाना। उसके लिए अभी मुझे सबसे पहले कुछ टाइल्स को बाय करना पड़ेगा, तो इधर की सारी ज़मीन बाय करते हैं। लगभग $4,00,000 में बाय कर ली, क्योंकि अपने पास बहुत सारा पैसा है। भाई $1.5 million लगेंगे, और ये इससे नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, तो सिटी से ऑब्वियसली हम दूरी बनाने वाले। वैसे इधर कोई रहता नहीं है, सारे इंडस्ट्रियल एरिया ही है, सो आई थिंक इट विल बी ओके। और पानी इधर से उधर ही बह रहा है, तो आई थिंक ये जगह गाइज एकदम परफेक्ट रहेगी। सो अगर मैं यहाँ तक बनाऊँगा, सबसे पहले यार लैंड को प्लेन करते हैं। हाँ प्लेन लैंड चाहिए ना वापस से, मतलब बाद में प्रॉब्लम नहीं चाहिए मेरे को, सो दैट्स वाई सबसे पहले ज़मीन को थोड़ा सा प्लेन करते हैं। मे बी यही वाला हाइट हम आगे ऐसा बढ़ाएंगे, और ये वाला हाइट यहाँ पे, यही वाला हाइट यहाँ पे भी चाहिए मुझे। हाँ मतलब ठीक है, ज़्यादा भी फ़र्क नहीं है। तो ये हम यहाँ पे मैंने ज़मीन को थोड़ा सा ऊँच नीच कर दिया है, ओके। और यहाँ पे अभी अपना बनने जा रहा है द डैम, द बवा, आई मीन डैम। तो गाइज ये मैंने ज़मीन को ऊँचा कर दिया, बट अगर ज़्यादा ऊँची ज़मीन हो गई तो बाद में पानी सिटी के अंदर तो नहीं घुसेगा ना? मेरे को इस चीज़ का डर लग रहा है। एक सेकेंड गाइज, बाद में इशू नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने इसको इधर भी पूरा ऐसा हाई कर दिया तो चलेगा क्या? हाँ यार, इसको ना ऐसा ही, मतलब एक काम कर दे गाइज मेरे दिमाग में अभी के लिए। गाइज ये बस टेस्टिंग करने की चीज़ें हैं, सो डोंट वरी, बाद में मैं इसको ठीक कर दूंगा। सबसे पहले टेस्ट तो करते ना ये कैसा बनेगा, बाद में चीज़ों को देखा जाएगा। और ये अपना पोर्टल इंडस्ट्रियल एरिया, मैंने इसको, हाँ ये मैंने कहा ये पूरा इधर का एरिया प्लेन हो गया, तो सिटी के अंदर पानी तो भी बिल्कुल नहीं घुसेगा। एंड नाउ यहाँ पे भी मुझे सेम चीज़ करनी है, इसको हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाएंगे। सो गाइज ये मैंने डैम बनवा दिया है, क्या सिटी के लोग खुश हो गए? खुश तो कोई नहीं हुआ, बट आई एम हैप्पी। मेरी खुशी के लिए अपना ये डैम बन चुका है, ओके। अभी धीरे धीरे गाइज यहाँ पे पानी कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, एंड देन यहाँ से पानी फ्लो भी होगा। आई डोंट नो, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कैसा होगा। थोड़ा सा काम करते हैं, गेम का थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ मैं। बस सिटी में गाइज फ्लड नहीं आना चाहिए, अगर फ्लड वगैरह आ गया ना भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी कितनी इलेक्ट्रिसिटी वैसे प्रोड्यूस हो रही है अगर हम देखेंगे तो यार ओके वन मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। या जैसे जैसे पानी यहाँ पे आता रहेगा वैसे वैसे आई थिंक ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सो गेमर्स एज यू कैन सी, अभी आप देख सकते हो डैम के एक तरफ काफ़ी सारा पानी कलेक्ट हो चुका है, और दूसरी तरफ सूखा ही पड़ गया बाबू भैया। अभी प्रोडक्शन आई थिंक बढ़ गया होगा अपना, इलेक्ट्रिसिटी कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 127 19 किलोवाट। अभी तो मेगावाट में होना चाहिए, आई डोंट नो व्हाई। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है सबसे पहले ना मुझे यहाँ पे रोड के वगैरह कनेक्शन बनवाने पड़ेंगे। काम करते सबसे पहले गाइस ये डैम का जो रोड है उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ सामने की तरफ, ओके। डैम के रोड का गेमस मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है मेन रोड से। एंड अभी उसके बाद मुझे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करवाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, ट्रांसफार्मर क्या, आई डोंट थिंक सो जरूरत है। हाँ ये नॉर्मल अपनी यहाँ से लाइन चली जाएगी, तो ये लाइन हम यहाँ से इसको अंडरग्राउंड ही बनाए यार, अंडरग्राउंड ही बनाते ठीक है। यार यहाँ पे सीधा मैं ट्रांसफार्मर लगाओ, एक यार ट्रांसफार्मर लगाते ठीक है। इसके लिए अलग इसका स्पेशल ट्रांसफार्मर रहेगा जस्ट लाइक दिस, ये यहाँ पे रहेगा ट्रांसफार्मर, ओके। नाउ अभी हम इस लाइन को ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर देंगे जस्ट लाइक दिस। थोड़ा सा कर्व होके आएगी तो अच्छा लगेगा मेरे को भी,
यार कर्व नहीं हो रहा ये प्रॉपर, सीधा ओके ठीक है कनेक्ट हो जाए इसी। सो गेमर्स, हमने यहाँ पे डैम का जो पावर प्लग है उसको कनेक्ट कर दिया है अपने ट्रांसफार्मर से, तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन आई थिंक शुरू हो जाएगी, आई थिंक शुरू होगी होगी। और पानी वैसे ओके भाई, पूरा डैम गाइस लगभग फिल होने वाला है और इधर सूखा पड़ने वाला है यार जल्दी यार, अगर यहाँ पे ज़्यादा पानी कलेक्ट हो गया ना तो कहीं बाढ़ ना आ जाए। और अकबर मैं सिटी के अंदर देखता हूँ कहीं यहाँ पे सिटी के अंदर पानी तो नहीं घुस रहा है ना, नहीं नहीं घुस रहा है, वैसे थोड़ा सा तो ये ऊपर आ गया बट चलता है, नो प्रॉब्लम गाइज। अभी मैं वापस थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहाँ का जो ज़मीन है ना गाइज उसको मैं थोड़ा सा गाइज और प्लेन कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे बाद में मेरे को कोई इशू नहीं चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसा घुमा देता हूँ मैं, जस्ट लाइक दिस, एकदम सोने की चिड़िया की तरह हम इसको एकदम प्लेन बनाते हैं, ठीक है, एकदम अच्छा सा लुक देते हैं इसको, एस्थेटिक लुक आना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ये यहाँ पे पूरा डैम का एरिया रहेगा। ओके सो गेमर्स, एज यू कैन सी फाइनली हमने डैम का जो चारों तरफ से जो ज़मीन से उसको कनेक्ट कवर कर लिया है, सो ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस ये अभी डैम यहाँ से पानी छोड़ना, भाई छोड़ दे यार पानी, कितना देर इसने होल्ड करके रखा है, मे बी जब तक पूरा फुल नहीं होता ना तब तक ये ऐसा ही पानी होल्ड करके रखेगा, तो मैं गेम का थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा देता हूँ। मुझे लग रहा है जब ये पूरा फिल हो जाएगा ना तब जाके मे बी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, अभी तो कितनी हो रही है प्रोड्यूस, प्लीज़ यार थोड़ी बहुत तो प्रोड्यूस हो जाए यार, यार किलोवाट में ही हो रही है। ओके देखा ये यहाँ पे 995 किलोवाट मेगावाट, ओके हो गया गाइस, थोड़ी थोड़ी देर मेगावाट में आ रही है, 1.24 मेगावाट आ गया। मे बी जब तक पूरा डैम फिल नहीं होता हमको वेट ही करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं पूरा डैम फिल होने का वेट करते हैं। और इधर क्या लफड़ा चल रहा है, वेटिंग फॉर हियर्स है। ओ अचानक से गाइस बहुत सारे लोग मर रहे सिटी के अंदर, भाई का इशू हो गया और सारे इधर ही मर रहे। अरे यार यहाँ पे गाइस थोड़ा सा लोगों का मरने का इशू चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वो ये लगाना पड़ेगा, गेम को ऑन ही रखते हैं जब तक अपना डैम पूरा फिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे गाइस जल्दी से ये हियर से बना देता हूँ मैं। यार यहाँ पे मैं ऐसे एक बनाया था ना क्रिमेटोरियम गाइस, लगा ही देता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ इनको क्रिमेटोरियम की सख्त से सख्त ज़रूरत है, तो यहाँ पे बन जाएगा क्रिमेटोरियम, तो ठीक है एक क्रिमेटोरियम लगा दिया, देखा सारे लोग खुश हो गए। और क्रिमेटोरियम में थोड़ा सा ये मैं रेफ्रिजरेटर एक्सपांशन ये भी कर देता हूँ, एंड हियर से गराज या एडिशनल ये कर देते हैं एडिशनल, ठीक है 51,000 में, तो मैंने पूरा अपग्रेड कर दिया और सारे लोग खुश हो गए। लेट्स गो, ये वापस अपने डैम के ऊपर फोकस करते हैं। यस गाइस फाइनली वाटर फ्लो होना शुरू हो गया, भाई पूरा देखा सूखा ही पड़ गया यहाँ पे। अरे बाबू भैया ये नो, मुझे लगा ही था ऐसा होगा, देखा यहाँ पे ये पूरा एरिया पानी में चला गया, मुझे थोड़ा सा शक हो ही रहा था। वैसे कितना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर व्यू है, बर्फ गिर रही है एकदम, नीला समंदर जैसा पानी है, आसमान जैसा, और अभी यहाँ पे अपना बांध से भी पानी आना शुरू हो जाएगा। देखते ही देखते गेमर्स अपना जो डैम है वो लगभग पूरी तरीके से फुल होने ही वाला है, और मुझे लग रहा है ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक पानी आएगा। हाँ ये जो गाइस यहाँ पे होल बने ना ये वाले, आई थिंक इन्हीं होल से पानी फिर ना बाहर जाएगा। ओके समझ गया मैं, तो अभी ये पूरे होल फिल होने तक मुझे वेट करना पड़ेगा, तो वेट ही करना पड़ेगा और हम कुछ कर नहीं सकते। बस मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि ये वेट करने के चक्कर में ना मेरी सिटी कहीं पानी के अंदर ना चली जाए, आई थिंक वो होने ही वाला है गाइस, धीरे धीरे समुंदर का लेवल बढ़ रहा है। नहीं यार नहीं यार जल्दी यार इधर से काम हो जाना। 2000 years later आई थिंक इस डैम ने यहाँ से पानी रिलीज करना शुरू कर दिया है, देखो पानी फ्लो हो रहा है, प्लीज इलेक्ट्रिसिटी बनना चाहिए अभी। Yes, let's go, guys. 36-39 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो चुकी है, तो डैम को मुझे यहाँ तक फिल करवाना था, देखा अभी यहाँ से पानी फ्लो होना शुरू हो गया। ओके तो मुझे वेट करना था, तभी मैं सोचूं ये क्यों नहीं हो रहा, और अभी आई थिंक धीरे धीरे ना पानी यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और आप देखो यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे छोटा सा दरवाज़ा भी दे रखा है। अरे यार ये जुमा क्यों नहीं हो रहा ठीक से, देखो ये कितना क्यूट लग रहा है, गधे कहीं के रुक जाना, देखो यहाँ पे छोटी बालकनी दे रखी है, नाइस ये हुई ना कुछ बात। अभी पानी डैम ने पास करना शुरू कर दिया, कितना 50-63 मेगावाट हो गया गाइज, सो फाइनली अपना डैम प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा, बट उसके चक्कर में थोड़ा पानी इधर उधर भी थोड़ा बह गया, तो मुझे इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और अपनी सिटी के अंदर तो अभी तक पानी गया नहीं है, तो अच्छी बात है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मे बी ये धीरे धीरे ना जो कि ज़्यादा पानी यहाँ पे आ रहा है वो आई थिंक यहाँ पे नॉर्मल वापस से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, एंड ये जो ज़मीन के ऊपर शिप अटकी थी ओके अभी वापस चली गई है। भाई यहाँ पे ना कार्गो शिप अटक गई थी लिटरली, एक काम करते हैं यहाँ पे भी ना मैं इसका जो ज़मीन का जो इशू है लैंड है उसको थोड़ा सा मैं और प्लेन कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। अरे एक सेकेंड इसको प्लेन करना है मेरे को इसी हाइट में, ओके यहाँ तक एकदम उसके ना खट्टू कट कर देता हूँ मैं। ओके अभी शिप का कोई यहाँ पे इशू नहीं आएगा शिप को,
अभी हम कितने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेट मी चेक। अगर आप अभी देखते हो तो अपना प्रोडक्शन 402 मेगावाट है, उसमें से लगभग 50 से 60 मेगावाट अपना डैम बना रहा है, और मैं भी ये धीरे धीरे ना और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली ये डैम धीरे धीरे पानी छोड़ता रहेगा, उस तरीके से अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। अभी वापस से 34 हो गया, क्यों भाई? अभी ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ओके, मुझे लग रहा है इसकी वजह से। ओके गाइस, कुछ पानी साइड से भी गुजर रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे इसका गाइस कुछ करना पड़ेगा। मे बी ये जो हाइट है, ये वाला हाइट सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ऐसा बांध जैसा कुछ बना देता हूँ, ठीक है, ये पूरा एरिया में। अभी ठीक है, तो अभी यहाँ से पानी ओवरफ्लो नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ तक। ओके यस, मतलब नॉर्मल एक यू नो बांध टाइप का ही बन गया ये पूरा एरिया। तो ठीक है, ये मैंने इसको पूरा यहाँ पे कवर कर दिया है, तो अभी पानी एक्स्ट्रा भी वेस्ट नहीं होगा। एंड मुझे लग रहा है ये वाला भी जो लैंड है, इसको भी थोड़ा सा मैं प्लेन कर देता हूँ, ये जो बीच में बनाई है बांध का ये वाला एरिया। ओके, अभी ठीक है। अरे अभी तो और कम हो गया, 28 में भी थोड़ा थोड़ा का इस टाइम लगता है ये, यू नो एकदम से अचानक से प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है, जैसे जैसे इधर से पानी पास होता है उस तरीके से प्रोडक्शन इसका बढ़ता रहेगा। तो मे भी अभी ये वापस से 50-60 या 100 के आसपास भी चला जाएगा, 30 हो गया। तो ये मैंने जैसे पानी यहाँ पे रोक दिया, कहीं पर भी ना एक्स्ट्रा ऐसा पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड थोड़ा सा ये वाले एरिया में भी गाइज, ओ नो 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 नो, देखा ये वाला, अब तो भाई पूरा एरिया पानी के अंदर जाने वाला है, तो इसका कुछ करना पड़ेगा। तो इसका सबसे पहले ब्रश का साइज़ कम करूँ। ओके परफेक्ट, एंड नाउ मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे प्लेन कर देता हूँ, खामखा ये पूरा एरिया पानी के अंदर चला जाएगा। 39 हो गया, तो धीरे धीरे ये प्रोडक्शन यहाँ से बनता जाएगा। एंड अभी इसका यूजेस भी 100% हो रहा है, मतलब जितना भी अभी सिटी के अंदर पानी आ रहा है वो सारा का सारा पानी हमने यहाँ पे थाम के रखा है, और धीरे धीरे अपना ये यहाँ से पानी भी ये छोड़ता रहेगा डैम, और नदी का भी में भी वापस से ना फ्लो नॉर्मल यहाँ पे हो जाएगा, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी मैं एक बार वापस अपने सिटी के ऊपर ध्यान देता हूँ, एंड देखते ही देखते गाइज 30,000 प्रॉफिट अपना चला गया। और लास्ट टाइम सिटी के लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेंट कर रहे थे, तो मुझे इसको भी एक बार देखना है। यू नो सिटी का हैप्पीनेस लेवल एकदम डैम मतलब लो हो गया है, अनरिलायबल मेल सर्विसेज लोग बोल रहे हैं। ये मेल सर्विसेज का क्या इशू है? लास्ट टाइम तो मैंने ये कम्युनिकेशन अपग्रेड कर दिया था, मेल सर्विसेज अनरिलायबल का है भाई, ये किस वजह से हो रहा है? यहाँ पे इसका रीज़न आएगा, मेल सर्विसेज तो यही है ना, मेल टेलीकॉम मतलब मेल होता है ना, मे बी मुझे लग रहा है पोस्ट, हाँ आई थिंक मुझे लग रहा है पोस्ट ऑफिस गेमर्स, मुझे लग रहा है मुझे और लगाने पड़ेंगे। या मोमो सिटी में गाइज एकदम रेड हो रखा है, तो मुझे यहाँ पे एक और पोस्ट ऑफिस लगाना पड़ेगा। और लास्ट टाइम जो मैंने बड़ा सा पोस्ट ऑफिस लगाया था, अब वो मैंने यहाँ पे लगाया, बट वो पोस्ट ऑफिस है। और ये नहीं नहीं ये क्या लगाया था मैंने लास्ट टाइम, ये पोस्ट सॉर्टिंग फैसिलिटी है, और मुझे यहाँ पे मेल ऑफिस लगाना है। हाँ ओके ओके, ये अलग अलग चीज़ें होती है, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ मोमो सिटी में, ये पोस्ट ऑफिस लगा देते हैं। कौन सी जगह पे लगाए? ओके ये वाला एरिया एकदम परफेक्ट है, तो यहाँ पे अपना लग जाएगा। ओके यहाँ पे परफेक्ट, एक मैंने यहाँ पे मेल सर्विस लगा दी है, आई थिंक सिटी के लोग खुश हो जाने। अरे ये रोड से कनेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा रुको, मे बी यहाँ पे, ओके यहाँ पे फिट हो जाएगा परफेक्ट। अभी तो मेल सर्विसेज का इशू सॉल्व हो जाएगा ना, मे बी। ऑपरेटिंग डिस्ट्रिक्ट इसका सिलेक्ट करता हूँ मैं, मोमो सिटी, एप्पल स्क्वायर एंड ईडन गार्डन, सारे एरिया में काम करेगा, ठीक है। एयरपोर्ट टाउन को भी मैंने सिलेक्ट करा है, और ऐसे एयरपोर्ट टाउन में क्या इशू चल रहा है यहाँ पे? और ट्रैफिक जैम का इशू चल रहा है, एंड गाइस देखते देखते अपना पॉपुलेशन भी लगभग 50,000 लोगों का होने वाला है। भाई कितने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं या, और जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं ना वहाँ पे मेरा गेम लिटरली लैग करने लगता है। अभी देखा गेम लैग कर रहा है मेरा, इतना ज़्यादा लैग कर रहा है कि भाई क्या ही बताऊँ मैं। जस्ट लुक एट दिस, कितने सारे लोग है, और जितना ज़्यादा लोग होता है उतना ही ज़्यादा गेम, मतलब जहाँ पे वहाँ पे अगर मैं जूम करता हूँ तो भाई दुनिया भर का गेम लैग होने लगता है मेरा। और अभी वापस से लोग बोल रहे हैं, हाई टैक्सेस भी लोग बोल रहे हैं, फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सिटी में। ट्रैफिक का एक काम करता हूँ गाइस, अभी मैं ना हेवी ट्रैफिक बैन करने वाला हूँ अपनी सिटी में, यहाँ पे कोई पॉलिसी भी है आई थिंक हेवी, हाँ हेवी ट्रैफिक बैन, ट्रक्स एंड अदर व्हीकल्स फॉर्मेटेड फ्रॉम एंटरिंग द डिस्ट्रिक्ट, या ये वाले डिस्ट्रिक्ट में कोई भी यू नो बड़ी गाड़ी नहीं आएगी, तो इसको मैंने बैन कर दिया। कम्बशन इंजन बैन, मैं ये भी बैन कर सकता हूँ, इससे मे भी लोग कम व्हीकल्स यूज़ करेंगे, तो कम्बशन इंजन भी मैंने बैन कर दिया मोमो सिटी में। एंड एप्पल स्क्वायर में भी मुझे ये चीज़ करनी है, क्योंकि एप्पल सिटी में काफ़ी सारी व्हीकल्स आती है, सो एप्पल स्क्वायर में भी हम लोग यहाँ पे व्हीकल्स को बैन करेंगे। यू नो पूरा हाईवे से ये सारी व्हीकल्स जानी चाहिए, तो कम्बशन इंजन बैन करते हैं, एनर्जी कंजम्पशन अवेयरनेस और हेवी ट्रैफिक बैन ये भी कर दिया मैंने, परफेक्ट। तो आई थिंक अभी हेवी ट्रैफिक थोड़ा तो एटलीस्ट कम होना चाहिए, और बिजली नगर में भी
ऑब्वियसली वहाँ पे भी हम हेवी ट्रैफिक बैन करेंगे, कम्बसन इंजन बैन और हेवी ट्रैफिक बैन करेंगे। परफेक्ट। तो मैंने वापस से यहाँ पे पॉलिसीज अपग्रेड कर दिए एंड इधर का पॉपुलेशन वैसे कितना हो गया, बिजली नगर का, बिजली नगर का पॉपुलेशन 10,000 लोगों का हो गया और 11,000 लोगों की कैपेसिटी है, तो सब कुछ आई थिंक ठीक है। अभी वापस मैं गेम कॉन करता हूँ एंड लेट्स सी कितना प्रोड्यूस हो रहा है अपना इलेक्ट्रिसिटी, 56। वापस से देखा अभी धीरे धीरे ये बढ़ रहा है क्योंकि मैंने अभी पानी बिल्कुल भी यहाँ पे वेस्ट नहीं हो रहा, सारा पानी यहीं पे स्टोर हो रहा है एंड यहीं से नीचे जा रहा है एंड मुझे लग रहा है ये भी नदी जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे वापस बहना शुरू कर देगी, और बहनी तो चाहिए नहीं तो यार वापस ना अपनी सिटी में बहुत बड़ा सूखा पड़ जाएगा। एंड अभी अपना भाई 93,000 हम पर आर कमा रहे हैं, सबसे ज़्यादा पैसा किधर से आ रहा है ना। अभी मैं सोच रहा हूँ गाइस, जो लोग टैक्स का कंप्लेंट कर रहे हैं ना, अभी मैं थोड़ा सा गाइस और टैक्स कम करने वाला हूँ, मे बी कमर्शियल एरिया का कम करते, ठीक है 16 से 18 करते और इंडस्ट्रियल का भी कम करते ताकि इनकी डिमांड बढ़ जाए। मतलब अगर मैं टैक्सेस कम रखूंगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग अपने सिटीज़ के अंदर आएंगे एंड ऑफिस का भी कम कर देता हूँ मैं। तो अभी देखा मैंने टैक्सेस ही कम किया, यहाँ पे डिमांड धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुकी है, सो मैंने टैक्सेस कम कर दिए एंड अभी मैं सर्विसेज के ऊपर भी अभी थोड़े से वापस, जिसके ऊपर मैं कम पैसे मैंने लगाए थे उसको मैं वापस बढ़ा देता हूँ। अपना गार्बेज मैनेजिंग के ऊपर मैंने कम करा था तो इसको भी बढ़ा देते, इसका बजट 90% करते। फिर एजुकेशन ठीक है, फायर के ऊपर भी बजट कम है तो इसको भी मैं बढ़ा देता हूँ, 100% वापस कर देता है क्योंकि अभी हम लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। पुलिस का भी ठीक है, ट्रांसपोर्ट का भी ठीक है, पार्क का भी बजट मैंने कम कर रहा था तो मैंने पार्क का भी वापस 100% कर दिया है एंड कम्युनिकेशन का भी ठीक है। सो या बजट तो एकदम अपना बढ़िया चल रहा है एंड सबसे ज़्यादा पैसा हम लोग कोल बेच के कमा रहे हैं, मतलब ज़्यादा जो अपना प्रॉफिट है वो तो यू नो जो नेचुरल रिसोर्सेस है उन्हीं से आ रहा है। सिटी के अंदर मैं देखता हूँ यहाँ पे लोग क्या कंप्लेंट कर रहे हैं, वेटिंग फॉर एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का भाई क्या यहाँ पे क्या इशू है। ये वाले एरिया में गेमर्स हमको थोड़ा सा अपना हेल्थ केयर ठीक करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं ये वाले एरिया में मैं मे बी एक अपना हेल्थ केयर बना ही देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है एक छोटा सा मेडिक्लिनिक लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा यू नो येलो येलो एरिया बना है, पूरा ग्रीन होना चाहिए, सो दैट्स वाई मेडिक्लिनिक अपना ओके यहाँ पे लग जाएगा जस्ट इन लोगों के पीछे सिटी वाले सिटी में। तो देखा मैंने मेडिक्लिनिक लगा दिया, सारे लोग खुश हो गए। और कहाँ पे मेडिक्लिनिक की ज़रूरत है वापस से देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे भी गाइस ज़रूरत है, जो अपना यू नो एयरपोर्ट टाउन है वहाँ पे भी एक मेडिकल क्लिनिक चाहिए छोटा सा, सो मे बी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, ये वाले बिल्डिंग हट जाएंगे ठीक है या ओके यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे अपना मेडिकल क्लिनिक लग जाएगा, अभी लग जा ओके वहाँ पे आई थिंक बिल्डिंग बन रही है तो यहाँ पे लग जाएगा, परफेक्ट। मैंने यहाँ पे भी एक मेडिकल क्लिनिक लगा दिया अपने यू नो एयरपोर्ट सिटी के लिए, और एयरपोर्ट सिटी में सीरियसली मैं जब भी एंटर करता हूँ मेरा गेम लैग होना शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक जैम हो रहा है। एक सेकेंड, इधर भी गाइज मेरे को ना हेवी ट्रैफिक बैन करना पड़ेगा एयरपोर्ट टाउन को, तो एयरपोर्ट टाउन को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से पॉलिसीज, यहाँ पे तो मैंने कोई भी पॉलिसी नहीं लाई है, तो यहाँ पे भी हम सारी चीज़ें करेंगे, हेवी ट्रैफिक बैन, रिसाइकलिंग, पार्किंग फी $50 और स्पीड बम्प्स। सो आई थिंक अभी ये ठीक हो जाएगा, और अगर अभी आप देखोगे तो ये ट्रैफिक का -2 था वो -1 हो गया आई थिंक, और ये अनरिलायबल मेल सर्विसेज अभी भी इसका इशू आ रहा है, -7 है ये भाई, क्यों ये मेल सर्विसेज का क्या इशू है मेरे को समझ नहीं आ रहा। मुझे मेल बॉक्सेस लगाने हैं गाइज, मैंने सिटी के अंदर ज्यादा मेल बॉक्सेस लगाए ही नहीं है, दैट्स वाई ओके, मतलब मेल सर्विसेज तो है बट वो बॉक्स डालने का जगह ही नहीं है मेल, तो वो कहाँ पे लगेगा। हाँ मेल बॉक्स लगाना पड़ेगा भाई, तभी तो मतलब लोग मेल कैसे डालेंगे। हाँ तो गाइज अभी ना मैं जगह जगह पे ये मेल लगा देता हूँ, यहाँ पे एक रहेगा, देखा सारे लोग खुश हो गए, आई एम सो सॉरी माई मिस्टेक मैंने ठीक से देखा नहीं, तो यहाँ पे मैंने जगह जगह पे अभी मैं ये मेल बॉक्सेस लगा देता हूँ। ऑब्वियसली मेल सर्विसेज तभी तो मेल जाएगा जब वहाँ पे यू नो अगर मैंने बिल्डिंग भी बनाई है बट वहाँ पे कोई मेल बॉक्स नहीं है तो लोग मेल कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने मेल बॉक्सेस थोड़े से लगा दिए। मे बी अभी ये पूरा एरिया जो रेड है वो ग्रीन हो जाना चाहिए, और ये वाले भी सिटी में अपना जो मोमो सिटी है यहाँ पे भी थोड़े से होने चाहिए, यहाँ पे भी मैंने कुछ मेल बॉक्सेस लगा दिए। देखा सारे लोग भाई इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, अपने बिजली नगर में भी इसकी ज़रूरत है, तो बिजली नगर में भी एक यहाँ पे मेल बॉक्स रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है ना वहाँ पे लगाता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे फिर वो मेल की गाड़ी आके ना मेल उठा सकती है, यहाँ पे एक लगाते परफेक्ट, और एक अपने ट्रेन स्टेशन के सामने भी होना चाहिए, सो परफेक्ट। मैंने काफ़ी सारे मेल बॉक्सेस लगा दिए एंड अभी अपना एयरपोर्ट टाउन में तो भाई बहुत ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे तो सारे ऑफिसेस है एंड जहाँ पे ज़्यादा ऑफिसेस होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मेल्स की। देखा सारे लोग खुश हो गए, आई एम सो सॉरी गाइज, ये लो तुम्हारे लिए मैंने ओल्ड मेल सर्विसेज लगा दी यहाँ पे, परफेक्ट। अभी देखा पूरा ग्रीन हो गया रोड, सो परफेक्ट, वेरी वेरी नाइस, सारे रोड ग्रीन हो गए, आई थिंक अभी ठीक होना चाहिए मेल सर्विसेज का। अभी भी -7 ही चल रहा है, अबे सालू और क्या करूँ मैं तुम लोगों के लिए।
और ये यहाँ पे हर्ट का साइन क्यों बन रहा है भाई यहाँ पे? अभी मैंने देखा, हाँ ये यहाँ से हर्ट शेप भाई इसको। अच्छा क्या हो रहा है यहाँ पे? हेलो, ओके इसका बिल्डिंग आई थिंक फुल्ली अपग्रेड हो गया, दैट्स वाई ये हर्ट शेप बना रहा है यहाँ पे। रिक्वायर्स फूड सेल्स मील, ओके ये मील्स मतलब लोगों को खाना बना के बेचते हैं ये लोग। और देखा यहाँ पे मे बी ज़्यादा लोग आ रहे हैं उसकी वजह से। हाँ भाई कितने सारे लोग इसके दुकान में आ रहे हैं, तो मे बी अगर ज़्यादा लोग आते तो ये लोग ना ग्रेटिट्यूड भी दिखाते कि भाई मतलब खुश है ये। ओके 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 अगर ज़्यादा लोग वहाँ पे आते हैं, मे बी ये बहुत यू नो फेमस दुकान है यहाँ पे, बर्डन बीन का यहाँ पे काफ़ी फेमस दुकान है। आप भी यहाँ पे आके बर्गर वगैरह खा सकते हैं और गाइस प्रॉफिट बढ़ के अपना $31 million भाई क्या ही करूँ मैं इतने पैसे का, बहुत सारे पैसे हैं। और इधर क्या हुआ है भाई, कार क्रैश हुआ है? ओ नो नो नो, एक्सीडेंट हुआ है। वैसे पुलिस की व्हीकल तो आई है भाई, जल्दी से मैटर सॉल्व करो जो भी है, ठीक है? कोई पंगा मारा मारी कोई नहीं करेगा यहाँ पे। और गाइज वापस से अभी ऑफिस की डिमांड गाइज बहुत ज़्यादा बढ़ गई अपने अभी एरिया में। अभी मुझे थोड़ा सा ऑफिशियल एरिया बनाने का है, तो मैं सोच रहा हूँ ऑफिस एरिया वेयर शुड वी बिल्ड इट, यहाँ पे अपना हाई डेंसिटी ऑफिस एरिया रहेगा और यहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफिस एरिया। तो अभी मैंने ये कुछ नए ऑफिस वाले एरिया मार्क कर दिया क्योंकि डिमांड काफ़ी बढ़ रही है ऑफिशियल एरिया की, एंड देन उसके बाद कमर्शियल एरियाज की भी डिमांड बढ़ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ गाइज हाई डेंसिटी कमर्शियल एरिया थोड़ा सा मैं बना ही देता हूँ, तो हाई डेंसिटी कमर्शियल एरिया मे बी ओके यहाँ पे जगह है, बट ये नहीं, ये वाले जगह पे जो अपना सिटी का यू नो सेंटर जगह है वहाँ पे मैं सर्विसेज लगाने की सोच रहा हूँ। जहाँ पे ग्रीन एरिया है वहाँ पे हाई डिमांड है कमर्शियल एरिया की, तो ग्रीन यही वाला एरिया यहाँ पे, ओके यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है कमर्शियल एरियाज की, तो यहाँ पे बनाते ठीक है। ये यहाँ पे ऊंचे बिल्डिंग्स बनेगी, हाई डेंसिटी कमर्शियल एरियाज, और देखा लोगों ने कमर्शियल एरियाज यहाँ पे बनाना शुरू कर दिए, और मे भी कुछ यहाँ पे भी बन सकती है, तो यहाँ पे भी कुछ मैं बना देता हूँ। अनरिलायबल मेल सर्विस का गाइस अभी -7 से -6 आ गया, इसका मतलब वो पोस्ट ऑफिस लगाने के बाद आई थिंक थोड़ा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद लोग कंप्लेंट कर रहे ट्रैफिक का, ट्रैफिक तो भाई मैंने हाई ट्रैफिक बैन कर दिया है, तो बट फिर भी ट्रैफिक हो रहा है, अभी मेरे को उसका कुछ देखना पड़ेगा। अभी गेम्स मैंने और कुछ कमर्शियल एरियाज यहाँ पे मार्क कर दिए है क्योंकि डिमांड उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और वापस डिमांड बढ़ रही है कमर्शियल एरियाज की। भाई इतने सारे कमर्शियल एरियाज की डिमांड बढ़ रही है, तो मुझे आई थिंक थोड़े से और बनाने चाहिए। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है, इधर भी थोड़ी सी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्रीन हो रहा है, तो यहाँ पे भी बना ही देते हैं छोटी मोटी बिल्डिंग्स, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे भी कुछ नए कमर्शियल एरियाज बना दिए जस्ट लाइक दिस। ये वाला पूरा एरिया वैसे खाली है, तो गाइज यहाँ पे बना ही देते पूरा कमर्शियल एरिया, परफेक्ट। तो अभी मैंने गाइज काफ़ी सारे कमर्शियल एरियाज मार्क कर दिए, और ये वाला बंदा अभी भी हर्ट दिखा रहा है, मे बी ये कुछ ज़्यादा ही खुश है क्योंकि यार इसकी दुकान में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, दैट्स वाई मे बी ये बहुत ज़्यादा खुश है। और अभी मेरे को थोड़े से यार रेसिडेंशियल एरिया की डिमांड क्यों नहीं बढ़ रही है? मे बी टैक्स की वजह से, अगर मैंने टैक्स कम किया तो मे बी डिमांड वापस से बढ़ जाएगी, तो टैक्सेस में आके रेसिडेंशियल एरिया का यार कम कर देता, ठीक है? मैं अगर मैंने 10% कर दिया टैक्स तो मे बी डिमांड बढ़ जाएगी। अभी देखो मैंने टैक्स कम करा है रेसिडेंशियल का, तो डिमांड बढ़ जाएगी। नहीं डिमांड नहीं बढ़ रही है, आई डोंट नो व्हाई, मे बी क्योंकि ऑलरेडी जगह काफ़ी ज़्यादा है अपने सिटी के अंदर, यू नो बिल्डिंग्स वगैरह ऑलरेडी बहुत सारी खाली है, दैट्स वाई मे बी रेसिडेंशियल एरिया की डिमांड नहीं बढ़ रही है। सिटीजन्स का गाइज हैप्पीनेस लेवल वापस नॉर्मल हो गया, जो गाइज लास्ट टाइम लोग कंप्लेंट कर रहे थे अनरिलायबल मेल सर्विसेज का, वो नॉर्मल हो गया और अभी सब कुछ ठीक है। आई मीन सिटी के लोग अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, जैसे मैंने इनका टैक्स कम कर दिया सिटी के सारे लोग खुश हो गए। नाइस नाइस नाइस, ओके तो समझ गया, तो मुझे सिटीजन्स के हैप्पीनेस के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड अभी वापस से ऑफिस की डिमांड आसमान छू रही है और थोड़ा थोड़ा रेसिडेंशियल एरिया की भी डिमांड बढ़ रही है। वापस आई थिंक मौसम चेंज हो गया क्या? या मौसम चेंज हो गया, अभी एक बार मैं देखता हूँ अपना इलेक्ट्रिसिटी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 203 मेगावाट। भाई साहब ये हुई ना कुछ बात, लेट्स गो। अभी हम लोग कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी अपना प्रोडक्शन 597 मेगावाट प्रोडक्शन है, जिसमें से हम लोग 231 मेगावाट बिजली बेच रहे हैं। सो गाइज ये चीज़ बहुत बढ़िया है, आई एम सो हैप्पी। फाइनली अपना जो डैम का प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल रहा, तो इस डैम को मुझे नाम भी देना चाहिए। इसका नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बट इसको हम नाम देंगे बिजली उत्पादन केंद्र, मतलब मराठी में इसको यू नो ये बोलते हैं। तो हमने इसको बिजली उत्पादन केंद्र नाम दिया है अपना डैम को, और पानी का फ्लो वापस से ठीक तो हुआ, ओके हो गया, ठीक हो गया गाइस, हो गया धीरे धीरे ये पानी का फ्लो वापस से ठीक हो रहा है। तो एक काम कर देता हूँ मैं यहाँ पे गाइस, जो एकदम सा ऐसा बम्प बना ना, तो इसको मैं पूरा प्लेन कर देता हूँ ताकि यहाँ से पानी प्रॉपर ना फ्लो होना शुरू हो जाए। ओके अभी यहाँ से पानी एकदम नॉर्मल फ्लो होना शुरू हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी देखा अभी पानी एकदम ठीक से फ्लो हो रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्डिंग के अंदर गाइस गेमर्स आग लगी है, अरे 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 बाबू भैया, ओके डोंट वरी, अपना फायर फाइटर यहाँ पे आ चुके हैं आग बुझाने के लिए, जल्दी से आग को बुझा दो।
यार इनको ना एनिमेशन बनाना चाहिए। और वैसे मुझे एनिमेशन से गाइस याद आया, मैंने फायर की आई थिंक एक बिल्डिंग अनलॉक करी थी, बट उसको अभी तक मैंने बनाया नहीं क्योंकि वो बहुत महंगी थी। या ये वाला फायर स्टेशन जो कि $2 million में बनेगा, तो अभी गाइस मेरे पास पैसा है तो मैं सोच रहा हूँ फायर स्टेशन बना ही देते हैं, ठीक है। और मुझे यार बनाना है क्योंकि यार मे भी अगर मैंने फायर स्टेशन बना दिया तो मे भी वो एनिमेशन भी आ जाएगा। जो अपना पुलिस स्टेशन का बिल्डिंग है गाइस, पुलिस स्टेशन का जो हेडक्वार्टर्स है, पुलिस स्टेशन के हेडक्वार्टर्स के यहाँ पे आई थिंक अपना बन जाएगा फायर डिपार्टमेंट, बट इसको अपग्रेड करना होगा तो भी वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। अभी मैं बना ही देता हूँ। मैंने फायर स्टेशन की $2 million की बिल्डिंग लगा दी है, एंड नाउ लेट्स सी कैसी है ये बिल्डिंग। सिनेमैटिक व्यू में देखते हैं, भाई क्या ही प्यारी लग रही है। ओके, तो अभी यहाँ से आई थिंक फायर की बिल्डिंग्स गाड़ियाँ जाना शुरू कर देंगे। अब इसके एक बार अपग्रेड्स चेक करते हैं। अपग्रेड्स में यहाँ पे आएगा अपना गराज एक्सटेंशन, ट्रेनिंग फैसिलिटी। हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, मतलब अच्छा काम करने के लिए, तो ट्रेनिंग फैसिलिटी लगा दी मैंने। फिर अपना यहाँ पे डिजास्टर रिस्पॉन्स यूनिट $2 lakh में, इसके लिए का एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। और फिर ये अपना हेलीपैड, हेलीपैड से भी आई थिंक आग बुझने के लिए अपना हेलीकॉप्टर जाएगा, तो एक हेलीपैड भी लगा देते हैं। सो गाइज, एज यू कैन सी अपना नया फायर का यहाँ पे बिल्डिंग लग चुका है। और अभी यहाँ पे मैं इसका ऑपरेटिंग डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करना चाहिए। सो अपना मोमो सिटी, एप्पल स्क्वायर, बिजली नगर, ईडन गार्डन्स एंड अपना एयरपोर्ट टाउन, मैंने हर एक सिटी सिलेक्ट कर दी है। तो अभी यहाँ से हेलीकॉप्टर से भी आग बुझाई जाएगी जहाँ पे भी आग लगेगी। अभी मैं यहाँ पे थोड़े से गाइस पार्किंग लॉट्स अभी लगाने की सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि अपने सिटी के अंदर थोड़ा सा पार्किंग का इशू चल रहा है, मतलब ट्राफिक का इशू हो रहा है। और ट्राफिक में भी इसी वजह से हो रहा है क्योंकि लोग कहीं भी अपनी गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं। सो दैट्स वाई पार्किंग लॉट में लगाने वाला हूँ अपना $1.5 lakh का पार्किंग लॉट यहाँ पे लगाने की सोच रहा हूँ मैं, इधर लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक पार्किंग लॉट लगा दिया, सारे इंडस्ट्री के लोग अपने रेसिडेंशियल एरिया के लोग खुश हो गए। तो यहाँ पे कार्स को पार्क किया जाएगा और उनसे हम लोग $50 फी वसूल करेंगे। एंड एक और चीज़ गाइज मेरे से ना रह गई है, जो अपना जो ट्रेन स्टेशन है उसको मुझे आई थिंक मेन रोड से यार कनेक्ट करना चाहिए। तो ये मैं गाइज लास्ट टाइम कनेक्ट करना भूल ही गया था, क्योंकि यार यहाँ से भी वितु गाड़ियाँ यहाँ पे आएंगी फिर, तो यहाँ पे मैं इसको सीधा कनेक्ट कर देता हूँ, कुछ दुकानें हट जाएंगी, आई एम सो सॉरी। एंड इसके बाद मुझे यहाँ पे एक राउंड बोर्ड भी लगाना चाहिए, थोड़ा बड़ा वाला। ओके, ये वाला राउंड बोर्ड नहीं, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये छोटा सा, ठीक है। ये छोटा राउंड बोर्ड मैंने लगा दिया ताकि यहाँ पे गाड़ियाँ ना अपने, मतलब अगर किसी को यहाँ पे ट्रैवल करना है अपने ट्रेन स्टेशन के लिए, वहाँ पे भी ये लोग इजीली जा सकते हैं ये वाले रूट से। और यहाँ पे अपना नया पार्किंग लॉट भी है, तो यहाँ पे अपने लोग ना गाड़ियाँ पार्क वगैरह कर सकते हैं। अभी तक वैसे किसी ने पार्क नहीं किए, बट पार्क करना शुरू कर दिया। देखा, एक बाइक लेके बंदा पार्किंग लॉट के अंदर जा रहा है और यहाँ पे इतनी वो अपनी बाइक पार्क कर देगा। और फिर उसके बाद मुझे इसको अपग्रेड भी करना है, यहाँ पे हम वॉशिंग वगैरह भी लगा देंगे, वॉशिंग सिस्टम ये वाला, हाँ क्या कार वॉश लगा देंगे। इसको अपग्रेड कर दिया तो अपनी लोग यहाँ पे गाड़ियाँ वॉश भी करवा सकते हैं। एंड गाइज, यहाँ पे भी आग लगी है। अरे इतनी आग लगी है, अपना फायर डिपार्टमेंट का हेलीकॉप्टर किधर है? ये रहा गेमर्स अपना फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर, इसके अंदर पानी भी है। ओके गाइस, सो फाइनली जो अपने फायर डिपार्टमेंट को अपग्रेड करा था, अभी ये यहाँ से इसने पानी भी ड्रॉप कर दिया और आग बुझ गई। लेट्स गो भाई, वे यही तो चीज चाहता था। और हर एक हेलीकॉप्टर का कलर इस बार अलग है, ये रेड कलर का फायर डिपार्टमेंट का हेलीकॉप्टर है भाई साहब। तो इसका मतलब अभी जो आग है वो हेलीकॉप्टर से भी बुझाई जाएगी। तो गेमर्स, दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग थोड़ा सा और अपग्रेड्स करेंगे अपने सिटी के अंदर, एंड पॉपुलेशन में भी अपना 50,000 हो जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो आज के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग।